सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अमेठी में कांग्रेस कर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाई, खुशी का इजहार किया, बम पटाखे फोड़े और कांग्रेस के साथ साथ राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। अमेठी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहुल गांधी पर दोष न सिद्ध किए जाने की बात को कहा है कि ये मोदी की हार है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंगल ने दावा किया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी फिर से अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और फिर से अमेठी के सांसद चुने जाएंगे। किस तरह की खुशी है आप लोग? अमेठी सदैव से उनका घर रहा, परिवार रहा, अमेठी उनका पारिवारिक नाता है। उधर निर्णय आते हुए कुछ टाइम नहीं हुआ, यहाँ अमेठी में युवा सड़क पे आ गए, युवा के हाथ में मिठाई हो गए, गोले हो गए, सब दग रहे। अमेठी में जश्न का माहौल है, अमेठी में खुशी का माहौल है। झूठ जो इस भाजपा सरकार में झूठ था, नफरत से हम जो मोहब्बत से जीत किए वही राहुल गांधी का सत्य हुआ। आज मोहब्बत जीता है, नफरत हारा है और सच्चाई की विजय हुई है। राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में जो मामला था स्टे लगाकर ये साबित कर दिया कि सत्य की हमें कोर्ट पे पूरा विश्वास था, सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास था। विजय आज हमारी हुई है, ये अमेठी के लोगों की विजय है। अमेठी से उनका पारिवारिक नाता रहा, अमेठी के लोग उनको घर के लोग सदस्य मानते हैं। हमारा राहुल, हमारा परिवार, हमारा घर, ऐसे लोग कहते हैं। आज जश्न खुश का माहौल है, आज हम सब खुश से जितने भी ब्लॉक हैं, जितने भी अभी गौरीगंज जा रहे हैं, अभी अमेठी पे हैं, पिताजी के स्मारक पे पहुँच कर हम सब मालापण करेंगे और जब पटाखा फोड़ के मिठाई लोगों को खिला रहे हैं। तमाम युवा साथी हैं, हमारे अध्यक्ष भी आए और युवा हमारे सभी पदाधिकारी घर उपस्थित रहे। आज खुशी का माहौल है, आज का दिन हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है, अमेठी वालों के लिए बहुत सौभाग्य का दिन। बहुत बहुत धन्यवाद। अमेठी से 944 के लिए नौशाद खान की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें Now 44 न्यूज चैनल।